हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम फरवरी 2020 का एक केस डिस्कस करेंगे। ये केस है धीरज मोर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस, जो कि है आर्टिकल 233 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड है। तो हमारा आर्टिकल 233 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की। तो इसमें जो आर्टिकल 233 का क्लॉज 1 है, वो बात करता है प्रमोशन के थ्रू अपॉइंटमेंट की, और इसका क्लॉज 2 बात करता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। तो अब प्रमोशन के थ्रू अपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि जिसने पीसीएसजे का एग्ज़ाम दिया होगा और एक वो जूनियर डिवीजन पे जज अपॉइंट हो गया होगा, तो वो बाया प्रमोशन जब डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर पहुंचेगा तो उसको हम प्रमोशनल कहेंगे। और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हुई है क्लॉज 2 में, वो सिर्फ एडवोकेट्स के लिए है। तो हमारा आर्टिकल 233 क्लॉज 2 ये बात करता है कि एक ऐसा इंसान जो यूनियन और स्टेट की सर्विस में नहीं है और वो पिछले 7 साल से, मतलब मिनिमम 7 साल में एडवोकेट या फिर प्लीडर रहा है, तो उसको हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया जाएगा। तो हमारा जो प्रेजेंट केस है ये इसी आर्टिकल और इसी क्लॉज से रिलेटेड है कि क्या जो ये एडवोकेट का यहाँ पर इन्होंने 7 साल का दिया है कि 7 साल तक कोई एक्सपीरियंस वाला जो होगा एडवोकेट, उसको आप डायरेक्टली रिक्रूट कर दोगे, क्या इसमें सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर भी आ सकता है या नहीं। अब सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर का मतलब यही है कि कोई इंसान, मोस्ट प्रोबली ऑफकोर्स जूनियर डिविजन का ही जो जज होगा, तो जो जज है जो कि ऑलरेडी जूनियर डिविजन पे पोस्टेड है, क्या वो इस कोटे का यूज़ करके, ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा है एडवोकेट्स के पास, क्या इसको यूज़ करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पार्ट ले सकता है या नहीं। तो अब 2018 में सेम केस नेम से, मतलब धीरज मोर वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, यही केस था। अब इसमें 2018 में एक रेफरेंस करी गई 2 जज बेंच के द्वारा कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर हमारा जो टॉपिक है, इस पे एक लार्जर बेंच को जजमेंट देना चाहिए। तो इसी रेफरेंस के बाद वाला जो केस डिस्कस होता है वो हमारा प्रेजेंट केस है। तो अब इसमें यही हुआ था कि 2 क्वेश्चन आए थे कि ये जो क्वालिफिकेशन है 7 ईयर्स की, ये कंबाइंड होनी चाहिए एक जुडिशियल ऑफिसर प्लस एडवोकेट। मतलब मान लीजिए किसी ने 3 साल तक एडवोकेसी करी और फिर उसने 5 साल तक एक वो जुडिशियल ऑफिसर रहा, तो क्या वो दोनों मिलके 7 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस मान लिया जाएगा या नहीं। या कोई इंसान जो पिछले 7 साल से जुडिशियल ऑफिसर ही है, उसको हम ये यहाँ पर कोटे का हक देंगे या नहीं देंगे। या मान लीजिए कि कोई पहले 7 साल तक उसने एडवोकेसी करी, उसके बाद उसने पीसीएसजे का एग्ज़ाम दिया और जूनियर का जज बन गया, और अब वो 2 साल से या 1 साल से जज है, और अब उसके बाद उसको हम 7 साल, क्योंकि वो एडवोकेसी तो पहले कर ही चुका है, तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे देंगे या नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे थे। तो अब प्रेजेंट केस में हमारी 3 जज बेंच ने इस चीज़ को सुना। तो जब रेफरेंस करी गई तो 3 जज बेंच के सामने आई, जिसमें थे हमारे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। और इन तीनों ने आर्टिकल 233 क्लॉज 2 को ही इंटरप्रेट किया, डिसिफर किया, और उसी हिसाब से जो सारे क्वेश्चंस पोज हो रहे थे उनका आंसर किया। तो कोर्ट ने जब आर्टिकल 233 क्लॉज 2 को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि अ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ यूनियन और अ स्टेट। तो अब अगर हम जूनियर डिवीजन जज की बात करेंगे जो ऑलरेडी अभी जज के पोस्ट पे है, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी यूनियन या फिर स्टेट की सर्विस में है। क्योंकि अगर वो अगर किसी स्टेट के अंदर पीसीएसजे क्वालिफाई करके अगर वहाँ पर जज बना है तो वो स्टेट के अंदर ही है। तो जब वो स्टेट के अंदर है तो उसको किस तरीके से हम आर्टिकल 233 क्लॉज 2 का जो ये पर्टिकुलर कोटा ही ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो डायरेक्टली साफ साफ ही आर्टिकल के खिलाफ जा रहा है। यहाँ पर कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो पर्टिकुलर सेपरेट कैटेगरी है, ये सिर्फ बार मेंबर्स के लिए बनाई गई है। कोर्ट ने कहा कि इसका पर्पस ये है कि जो इंसान जिसका बार पे एक्सपीरियंस है, उसने काफ़ी डिफरेंट तरीके के मैटर्स को देखा है, काफ़ी डिफरेंट तरीके के मैटर्स को आर्ग्यू किया है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमें बेंच पे हेल्प करेगा। तो इस वजह से ये सिर्फ बार के लोगों के लिए ही एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात की गई है। ऊपर से कोर्ट ने यह भी कहा कि जो यहाँ पर प्रमोशनल की बात करी गई है, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि अगर जो जूनियर बेंच पे हैं, अगर जूनियर डिवीजन पे जो जजेस हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो प्रमोशन के थ्रू आ सकते हैं। तो अगर उनको हम प्रमोशन वाला दे ही रहे हैं आर्टिकल 233 क्लॉज 1 के तहत, तो आर्टिकल 233 क्लॉज 2 के तहत उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी देना सही बात नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक इंसान एक ही टाइम पे 2 अलग अलग नावों पे पैर नहीं रख सकता है। अगर हम
उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हटा रहे हैं, तो इसका ये रीज़न है क्योंकि वो किसी और के लिए है और उसके पास ऑलरेडी प्रमोशनल वाली जो चीज़ है वो अवेलेबल है, तो वो उसके थ्रू यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पॉइंट पे ये भी नोट किया कि 75% जो पोस्ट होती हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस की वो प्रमोशन के थ्रू ही होती हैं, तो वो रिजर्व्ड हैं, और सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो कोटा है उसमें सिर्फ 25% सीट ही मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जो जुडिशियल सर्विस वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर उनको हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उनका फिर प्रमोशन ही नहीं होगा, ये तो गलत है क्योंकि ऑलरेडी 75% पोस्ट उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पॉइंट पे तो यही बोला कि जो इंसान जो ऑलरेडी जुडिशियल सर्विस में है एक जूनियर डिवीजन पे, तो वो अपने लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू या फिर प्रमोशन के थ्रू जो भी इस तरीके की चीज होंगी उसके थ्रू ही डायरेक्टली वो यहां पर डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा। उसका जो क्लॉज 2 है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है उसमें वो एलिजिबल नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 साल प्रैक्टिस की एक कंडीशन बताई गई है उसको डिस्कस करते हुए बोला कि ये जो प्रैक्टिस या जो कंडीशन है ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस की बात हो रही है, तो कोई इंसान ये नहीं कर सकता कि उसने 4 साल तक पहले एडवोकेसी की प्रैक्टिस करी, फिर 2 साल तक उसने जुडिशियल सर्विस में रहा और फिर वापस आके उसने 3 साल तक फिर एडवोकेसी करी, तो वो कहे कि अरे मेरा 4 और 3 मिला के आप देख लो तो टोटल तो 7 हो गया, तो वो नहीं माना जाएगा। उस टाइम पर उसका सिर्फ 3 ही साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा क्योंकि लेटेस्ट में, मतलब जब उसने फॉर्म भरा, जब उसने ये इसके लिए आपका अप्लाई किया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप हमें देखिए, तो उस टाइम पे उसका रीसेंट के हिसाब से कंटिन्यूस प्रैक्टिस के हिसाब से जो चल रहा होगा सिर्फ उसको ही कंसिडर किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कट ऑफ डेट होगी या फिर जो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज का जो टाइम होगा उस टाइम तक कम से कम 7 साल तक वो जो एडवोकेट है उसने कंटिन्यूस प्रैक्टिस की हो, तो वो उसी टाइम से कंटिन्यू काउंट की जाएगी और वो लगातार होनी चाहिए, उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए कि आपने बीच में करके कोई दूसरा प्रोफेशन कर लिया और फिर यहाँ पर आ गए। इसके साथ साथ दूसरे साइड से ये भी आर्ग्यू किया गया था कि ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात है ये आर्टिकल 14 और 16 के खिलाफ है, तो ये आर्ग्यू किया गया कि राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है क्योंकि इक्वालिटी यहाँ पर नहीं दी जा रही है, और ऊपर से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो कि आर्टिकल 16 में बोला गया है वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन हमने किया है एडवोकेट्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत ये अल्ट्रा वायरस नहीं है और ये आर्टिकल 14 और 16 दोनों के कन्फर्मेशन में है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने जो पहला हमारा 1961 का एक केस था रामेश्वर दयाल का जो कि इस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड था, उससे लेकर अभी तक के काफ़ी सारे रीसेंट जजमेंट्स को कंसिडर किया, सबको देखा, और यही उन्हें पता चला कि जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को विजुलाइज किया था और वो चाहते थे कि जुडिशरी में जो इंसान यहाँ पर बार पे है उसका भी इनपुट आए क्योंकि वो अलग तरीके से चीज़ों को देखता है और एक जो बेंच का मेम्बर होता है वो अलग तरीके से चीज़ों को देखता है। इस वजह से जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने इस तरीके का प्रोविजन क्रिएट किया कि दोनों का ही कहीं ना कहीं कोई योगदान रहे एक डिस्ट्रिक्ट जज बनने में, तो इस वजह से जो यहाँ पर प्रोविजन बनाए हैं जो आर्टिकल 233 है वो हमारे 14 और 16 के खिलाफ नहीं है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के जजमेंट को ओवर रूल भी किया। ये जजमेंट है विजय कुमार मिश्रा एंड अनदर्स वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, और इसमें डिवीजन जज बेंच थी और डिवीजन बेंच में थे हमारे जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस अभय मनोहर सापरे। तो अब इस 2016 के जजमेंट में जो हमारी डिवीजन बेंच थी उसने क्या किया था, उसने ये बोला कि अगर कोई इन सर्विस जो जज होगा तो उसको अपनी पोस्ट से रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो इस जजमेंट में पॉइंट ऑफ एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट के बारे में बात हुई थी और सिलेक्शन प्रोसेस की बात हुई थी, पर कहीं भी एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट की बात नहीं करी गई थी। तो 2016 में उन्होंने बस ये बताया कि अगर आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो क्या आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो उसके बारे में बात करी थी। उन्होंने ये बात नहीं करी थी कि अगर एग्ज़ाम में आप पास हो गए और फिर आपका अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए आप एलिजिबल हो गए या नहीं हो गए, वो उन्होंने डिस्कस नहीं किया। तो इस वजह से जो इन सर्विस जज थे उनको इन्होंने ये राइट दे दिया कि आपको अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है और बिना रिजिग्नेशन के भी आप सिलेक्शन प्रोसेस में पार्ट ले सकते हो।
तो अब इसी पर्टिकुलर केस पे और इस पर्टिकुलर केस ने जो होल्ड किया उसके बारे में हमारे प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो पर्टिकुलर केस ने बात करी है एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट और एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट की, और जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है, ये एकदम ही गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपॉइंटमेंट चाह रहे हो, आप सिर्फ ऐसे ही तो खाली नहीं एग्ज़ाम दे रहे हो कि नहीं नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं चाहिए, नहीं हमें नौकरी तो नहीं चाहिए, हम बस एग्ज़ाम दे के देखना चाह रहे हैं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ का पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसमें अपॉइंटमेंट चाह रहे हो। तो जो एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट है और एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट है, उन दोनों के बीच में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि सेलेक्शन और अपॉइंटमेंट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन बनाने की कोशिश करी गई है ये बिना फाउंडेशन का है। तो कोर्ट ने कहा कि एक कोई भी जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो एडवर्टीजमेंट से बिगिन होता है, और एडवर्टीजमेंट में आप एप्लीकेशंस मांगते हो एलिजिबल कैंडिडेट्स की, तो वहीं पर जो एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी कि कौन इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है, तो वो जो एलिजिबिलिटी है अगर आप उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही फुलफिल नहीं कर रहे हो तो ना तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में पार्ट ले सकते हो और ना ही आप अपॉइंट हो सकते हो। दोनों ही जो चीज़ें हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट जो हमारा केस है उसको देखें, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि 7 साल तक कंटिन्यूस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी बार पे। तो जब जो आपकी 7 साल की कंटिन्यूस प्रैक्टिस है अगर वो है ही नहीं, तो आप यहाँ पर अपना नाम देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए ही एलिजिबल नहीं हो। जब आप फॉर्म भरने के लिए ही एलिजिबल नहीं हो तो आप अपॉइंटमेंट के लिए भी अपने आप एलिजिबल नहीं हुए, क्योंकि 7 साल की वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो जो ये हमारे 2016 का विजय कुमार केस में किया गया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया गया, ये डिफरेंस गलत है। पर हाँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस 2016 के विजय कुमार केस को कम्प्लीटली ओवर रूल नहीं किया, क्योंकि विजय कुमार केस में 2 चीज़ों को डिस्कस किया गया था। पहला यही कि जो सिलेक्शन है और एलिजिबिलिटी है इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो इस पर्टिकुलर जो चीज़ है इस पे तो कोर्ट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। पर विजय कुमार केस ने एक और चीज़ को डिस्कस किया था, वो ये कि अगर आप ऑलरेडी किसी सर्विस में हो और उसके साथ साथ आप किसी और चीज़ का भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप अपना जो आपकी पोस्ट है उससे रिज़ाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उस पोस्ट पे रहते हुए भी दूसरी किसी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। तो वो जो पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर जो आर्ग्यूमेंट पे जो कोर्ट ने डिसाइड किया था कि आपको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप किसी पोस्ट पे और उसके बाद आप दूसरे के लिए रिज़ाइन करोगे तो ये तो गलत है। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर चीज़ को ओवर रूल नहीं किया गया। पर हाँ, जो सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के बीच का डिफ्रेंसिएशन बताया गया था उसको ओवर रूल कर दिया गया। तो फाइनली धीरज मोर के केस में 2 ही चीज़ें बोली गई। पहला ये कि अगर कोई भी जो इंसान जो कि ऑलरेडी एक जूनियर डिवीजन पे जज है, तो वो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का फ़ायदा नहीं उठा सकता है, वो अपने प्रमोशन के थ्रू ही डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा। और दूसरी बात ये कि अगर कोई एडवोकेट या प्लीडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसको 7 साल की कंटिन्यूस प्रैक्टिस दिखानी पड़ेगी, और ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस काउंट करी जाएगी, और ये मिनिमम है, मिनिमम 7 साल की, और ये काउंट करी जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ इसका फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड अपॉइंटमेंट की। हाँ, आपको डिस्ट्रिक्ट जज की तरह बनाया जा रहा है, उसके पहले से मिनिमम 7 साल तक काउंट की जाएगी। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।